अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त औरंगज़ेब, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कार सुकार। तो जनाब आज मैं आया हुआ था, आज नहीं खैर एक दो दिन हो गए हैं, फैसलाबाद आया हुआ हूँ। तो यहाँ वैसे रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, तो यहाँ आया हुआ था तो सोचा क्यों ना कोई गाड़ियाँ देख ली जाएँ, क्योंकि सारा दिन वेले ही बैठे होते हैं। अभी जनाब मैं जा रहा हूँ एक गाड़ी देखने, GLI है, 14 मॉडल, अपलिफ्ट हुई यानी शेप में, और ऑटोमेटिक है। तो पहले अभी एक रिबर्थ देखी है, लेकिन दिल को बड़ा दुख हुआ, जो उस रिबर्थ की हालत थी ना, यकीन जाने दिल टूट सा गया। मतलब रमज़ान में भी यार लोग गलत बयानी करते हैं, हैरत है। तो बस अभी मैं अमीन टाउन है, वहाँ पे गाड़ी ठहरी है, तो बस अभी वहीं पे जा रहा हूँ। अभी ये रोड बंद है, पता नहीं क्या मसला है। हाँ ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। बस अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। शान भाई का फ़ोन भी आ रहा है, चलो सुन लें। हेलो, वही GLI फाटक पर ठहरा हूँ अभी। हाँ नहीं, कहाँ करिए भाई शान भाई, वो मेन टाउन कैनाल रोड पे। हाँ जी, बस कैनाल रोड नहीं क्रॉस की थी, वहीं पे आके पैसों की बात नहीं हुई, इसे गाड़ी देखने की बात हुई है। अभी जाके गाड़ी पसंद आएगी फिर पैसों की बात करूंगा भैंस की। तो अभी पहले पैसों की बात कर लो, वहां जाके गाड़ी की कंडीशन और निकले फिर वो अड़ जाते हैं पैसों पे। पहले गाड़ी देख लूँ फिर उसके बाद पैसों की बात करूँगा। हाँ देखें देखें, बताएं मुझे फिर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। गाड़ी देखने में लगे हुए सारे हम लोग, और अब हम जाएंगे फिंचू फिंचू फिंचू। पिंचू 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 पिंचू। अब हम जाएंगे, यार फाटक तो खुल गई, अब खोल दो यार, क्या है इंजन चेक लाइट भी जल गई है। और ये ट्रक स्टार्ट हो गया है, ट्रक स्टार्ट हो गया। चलो 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 भाई, चलो 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 यारो, आगे चल के गाड़ी दिखाते हैं आपको, अभी ज़रा रश है तो ड्राइव कर लें। हाँ जी, तो जनाब ये पहुंच चुका था, मैं अमीन टाउन बताया था, और ये आप देख सकते हैं वो सामने आपको जो ब्लैक गाड़ी नज़र आई है, रुके मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने 14 मॉडल ऑटो, जो कंडीशन थी इस गाड़ी की फिर वो कंडीशन ही निकली। एक तो सारी शावर थे, फिर सीलें सारी फारिग थी गाड़ी में, रस्ट बहुत ज़्यादा थी। नंबर तो बड़ा प्यारा है वैसे गाड़ी का, लेकिन गाड़ी का कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। गाड़ी वैसे लुक में प्यारी थी, अलॉयज़ वगैरह डले हुए थे, ऑटो थी, बाकी दिखने में भी बस सही थी, अच्छी थी, लेकिन वो चस नहीं आया। फिर वो एक मेरी गाड़ी का थोड़ा सा इशू था, मैंने सोचा यार मैकेनिक है तो इसे चेक करवा लेता हूँ, तो इसने कहा यार तुम्हारी गाड़ी का कैड बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से कि ये इशू कर रही है, गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम कर रही है। तो गियर शिफ्टिंग में खैर प्रॉब्लम नहीं। फिर जनाब मैंने क्या किया, मैंने कैटालिटिक खुलवा दिया। अभी भाई कैटालिटिक खोल रहे हैं, पूरा कंप्लीट कैटालिटिक खोलेंगे, फिर इसे वॉश करेंगे अच्छी तरह, तेजाब वगैरह जो भी डालते हैं ये वॉश करके, और उसके बाद फिर ट्राई किया जाएगा गाड़ी को। मैंने कहा चलो यार गाड़ी तो नहीं मिली, चलो ये काम ही चेक करवा लें। अभी ये प्लग वगैरह कॉइल्स वगैरह चेक कर रहे थे, प्लग वगैरह भी वीक थे, लेकिन ये रेट इतना बता रहे थे, मैंने सोचा यार अपने शहर से ही चेंज करवाऊँगा। अब ये देखें, अभी मैं वापसी के लिए निकला तो मैंने देखा कि आगे जनाब ये जा रही है पोर्शे, और इसका नाम है पोर्सुसू। पोर्सुसू जा रही है, और बहुत ही मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, एक तो मॉडल सिर्फ पोर्शे लिखा हुआ आ रहा है तो पता नहीं कौन सी है, लेकिन फैसलाबाद आए और आपको छोटी गलियों में गाड़ियां नज़र ना आए ऐसी तो समझा फैसलाबाद में है ही नहीं। यहाँ तो हर गली में एक गाड़ी ऐसी पैदा होती है, इंडस्ट्रियल स्टेट है पूरी ये, यहाँ पे हर किस्म की गाड़ी आपको मिलती है, हर किस्म के लोग आपको मिलते हैं, पंजाबी लोग, जुगतबाज सारे। खैर
मैंने बड़ी कोशिश की इसके पीछे जाने की, लेकिन नहीं आने।